कहना चाहती हूँ, SHO साहब को सब पता था, इन्हें इन्होंने जो मेरे साथ एक बात बताई है, पब्लिक सर्वेंट जो है, पब्लिक सर्वेंट को क्या ये अधिकार है कि वो किसी औरत को धक्का मारे? क्यों? क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, उनके कृत्यों को उसमें पूरा कैप्चर कर रही हूँ, इसलिए मुझे धक्का मारा गया इतनी जोर जोर से 3-4 बार, एक बार नहीं, वीडियो में आपको क्लियर पता चल जाएगा। सही हो तो क्यों जा रहे हो, यहीं रुको, अगर सही हो तो यहीं रुको। SDM साहब को बुला रहे हैं, SDM साहब भी यहीं आएंगे तभी बात होगी, अब SDM साहब आएंगे तभी बात होगी। सर, SSP विपिन ताड़ा से हमें जान का खतरा है, उसका रीज़न है, इनको सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी ये हमारे पे और चीज़ें वो कर दी है, इन्होंने एप्लीकेबल कर दी है, जैसे कि SC ST केस की और धाराएं एप्लीकेबल कर दी है, जबकि वीडियो ऑडियो वीडियो हम इनको भेज चुके हैं सारे, जिसमें क्लियरली प्रूफ होता है कि जो इनका लेखपाल है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लेखपाल वासुदेव है, अनऑथराइज कानून को बाबूराम, इन लोगों ने हमारे साथ असॉल्ट किया, इन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठाया, हमने कुछ भी नहीं किया, वीडियो में क्लियर है, तभी भी इन्होंने हमारे ऊपर धाराएं बढ़ा दी ताकि हम बाहर निकल ही ना पाए, एक बार अरेस्ट हो। धारा लगा दी है कि हमने इनकी बॉडी को पेंट करा और कपड़े फाड़ दिए, वो SC ST का 3, ये धारा इसलिए कि अगर हमें एक तरफ जमानत मिल भी जाए तो दूसरी तरफ ये 10 साल की सजा में, 10 साल की सजा के केस में फिर दोबारा हम लोग जेल की सलाखों के अंदर बंद हो जाए। ये भी खड़ा कर सकता है, क्या हम नहीं कर सकते? हम क्यों करें? जब हम गलत नहीं है, हम सच्चे हैं, तो हमें किसी झूठे गवाह की जरूरत नहीं है, हम ऑथेंटिक प्रूफ अपने दिखाएंगे। हमारे पास सारी चीजें ऑडियो वीडियो में है, सारी चीजें जो भी हम बोल रहे हैं सारी चीजें एविडेंस है हमारे पास, ये लोग झूठे गवाह पेश कर सकते हैं, उसका भी हमारे पे एविडेंस है कि IPC की 300-506 हम पे बढ़ा दी, 341 बढ़ा दी, SC ST एक्ट का 3-1 द और घ और 3-2 वी या 5 जो भी है वो, ये बढ़ा दिए, जिसमें 10 साल की सजा है, 389 में भी 10 साल है, SC ST में भी 10 साल की सजा है। मतलब हम अगर जागरूक हैं, हम करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हम सच्चे हैं, तो हम पे इस तरह से हमें हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये हमारे पे SC ST भी इन्होंने इसलिए करा क्योंकि बीनू सिंह SHO थाना बिहारीगढ़ के सामने ही हमने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि अलका सेठी के साथ जो चीज़ गलत हुई है, जो धक्का मुक्की इन्होंने दिया है शोल्डर से पकड़ के, हम इसकी कंप्लेंट करेंगे, हम इसकी FIR करेंगे, इसी चीज़ से रिलेटेड इन्होंने हमें SC ST केस में फंसा दिया। Myself ध्रुव सेठी, रेजिडेंस ऑफ 159 लक्कीबाग देहरादून। मैं अलका सेठी, पत्नी ध्रुव सेठी, एड्रेस 159 लक्कीबाग देहरादून, उत्तराखंड।